नमस्ते दोस्तों, आज डिस्कस कर रहे हैं कि अगर आपने एक इंश्योरेंस ले लिया था लेकिन आप लोगों ने क्या किया, उस इंश्योरेंस को कंटिन्यू नहीं किया, तो आपको क्या होगा, ये आज हम लोग डिस्कस करेंगे। मतलब आपने एक इंश्योरेंस तो ले लिया डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट से, लेकिन उसको 2-3 महीने तक का या फिर 2-3 साल तक का आपने उस पर पेमेंट किया, बस बाद में बंद कर दिया। तो अब आप चाहते हैं कि उसी जो आपने RPLI स्टार्ट किया था उसी को रिवाइव करेंगे। तो और रिवाइवल का लिए आपको ये फॉर्म यूज़ करना है। तो फॉर्म मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग कमेंट में लिखेगा तो ही मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा, क्योंकि मेरे को भी इतना फाऊ टाइम नहीं है कि आपको सब प्रोवाइड कर देंगे बिना कहे हुए। आपको कमेंट करना होगा, फिर मैं आपको दे दूंगा, कोई बात नहीं, ठीक है। तो एप्लीकेशन फॉर रिवाइवल ऑफ पोस्टल और रूरल पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी कैसे फिल करेंगे? फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम लिख देंगे, जो इंश्योरेंट है उसका एड्रेस लिख देंगे। यहाँ पे पॉलिसी का पर्टिकुलर वो हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया था, उससे भी आप लिख सकते हैं। पॉलिसी का नंबर, यहाँ पे कितने शाम एस्योर्ड किए थे, मतलब कितना रुपया जमा किया था और कितने डेट से स्टार्ट हुआ था और कितने डेट पे ये मैच्योर होने वाला था। आप कैसे मंथली प्रीमियम देते हैं, मंथली या फिर क्वार्टरली या फिर हाफ ईयरली या फिर ईयरली देते हैं, और क्या है कि पीरियड ऑफ व्हिच प्रीमा इज़ ड्यू, मतलब कितने साल से ड्यू पड़ा हुआ है, रीज़न क्या है आपका ड्यू पड़ा हुआ है, और क्या है आपका पोस्ट ऑफिस जिसमें ये पेड करना होता, सब पोस्ट ऑफिस उसका क्या है, उसका हेड पोस्ट ऑफिस का नेम क्या है, वो लिख देने के बाद आपको क्या करना है। आई हेयर बाई डिक्लेयर दैट कंटिन्यू इन गुड हेल्थ एंड सिंस द डेट फर्स्ट अनपेड प्रीमियम हैड बिकम ड्यू टू रेस्पेक्ट अबव मेंशन पॉलिसी टिल दिस डेट, मतलब आप ये टोटल सम्मति दे रहे हैं कि आप टोटल का लौटा देंगे और PLI स्टार्ट करेंगे, फिर से डेट दे देंगे, यहाँ पे आपका सिग्नेचर और टोटल डिटेल्स यहाँ पे दे देंगे। अब क्या, अब ये तो है सभी के लिए, PLI जो करना पड़ेगा उसको लिए भी करना पड़ेगा, RPLI जो है उसको लिए भी करना पड़ेगा, लेकिन अब ये वाला PLI जो होल्डर है उसके लिए करना पड़ेगा। और यहाँ पर आपका नाम लेना है और यहाँ पर आपका PLI पॉलिसी का नंबर लिख देना है और एम्प्लॉयर जो है आपका सिग्नेचर यहाँ पे कर देना है विथ डेट, ठीक है, विथ डेजिग्नेशन स्टैम्प, आपका डेजिग्नेशन से साथ भी ये कर देना है। बस इतने से ही आपका वो जो पॉलिसी होगा वो पहले से ही वो चालू हो जाएगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, गुड बाय।